आर्मी फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की मुदत मुलाजमत में तौसी के बिल कौमी असम्बली से मंजूर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हक में वोट दिया। JUIF जमात इस्लामी और कबाली अजला के दो आजाद अरकान का वॉकआउट। वजीर आजम भी इजलास में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती दरख्वास्त पर अपनी तरमीम वापस ले ली। मुल्क की सूरत हाल है जो कि खित्ते की नई सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए एक आइसोलेटेड होने की बजाय एक यूनिफाइड मैसेज भेजने के लिए ये फैसला किया है कि हम ये अमेंडमेंट्स को प्रेस नहीं करेंगे। सेनेट में कल राय शुमारी के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर दिया। तारीख साज कानून साजी पर हुकूमत खुश, शेख रशीद बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 243 के बरक्स है। फिरदौस आशिक अमान कहती है मुखालिफीन के प्रोपेगेंडे को पार्लियामेंट ने दफन कर दिया। नून लीग के सपोर्टर खुश हैं नून लीग के फैसले से? नहीं, नून लीग के सपोर्टर्स खुश नहीं है। सर फिर आपने अपने सपोर्टर्स और वोटर्स की खयानत की अमानत में? नहीं, हमने खयानत तो नहीं की, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमने उनको एतमाद में नहीं लिया और हमें इस सूरत हाल को जो है उनके साथ बैठना होगा, इसकी वजाहत करनी होगी। वोटर्स और सपोर्टर्स आज के फैसले से खुश नहीं, हमने उन्हें एतमाद में नहीं लिया। राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू, फैसले से मुत्तफिक नहीं, बड़ों के खिलाफ बगावत का सोच रहा हूँ। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं अपनी पार्टी के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ, बड़ों ने फैसला कर दिया है। 50 साल बाद फिर मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने बड़ों से बगावत कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरी जंग खत्म नहीं हुई, मैं ये जंग लड़ सकता हूँ, आखिरी सांस तक मैं ये लड़ता रहूँगा। वोट को इज्जत दो के नारे का अब क्या जवाब दें? एकदम गैर मशरूत हिमायत की वजह क्या है? पार्टी इजलास में लीगी रहनुमाओं के ख्वाजा आसिफ से सख्त सवाल, जो किया नवाज शरीफ के कहने पर किया, मौलाना के धरने में भी मियां साहब के अहकामात पर अमल किया गया, ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट की भूल भुलैयों में खो गए, सामने दीवार और दाएं बाएं दरवाजे देखकर रुक गए। मैं कहां हूं तो मुझे किधर लेकर जा रहे हो? इमरान खान का सिक्योरिटी अफसर से सवाल। सर बाएं जानिब चैंबर भी है और असेंबली का दरवाजा भी, सिक्योरिटी स्टाफ का जवाब, साथ ही रास्ता भी मिल गया। हुकूमती पार्लिमानी इजलास में खिलाड़ी फट पड़े, वजीर आला उस्मान बुज़ार के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए, फंड्स ना मिलने का भी शिकवा। परवेज इलाही के तर्ज हुक्मरानी की मिसालें देते रहे, गैर रिवायती तर्ज सियासत इख्तियार करें, वजीर आजम का फंड्स मांगने वालों को जवाब, MQM के बंद दफातर खुलवाने की यकीन दहानी। दुश्मनों का अमन परवार, कोयटा के मकानगी रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब धमाका, 2 शहीद 14 अफराद जख्मी हो गए, 2 बच्चों की हालत तश्वीशनाक, धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मियांवाली में मियाना कू के करीब तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, स्क्वाड्रन लीडर हारिस बिन खालिद और फ्लाइंग अफसर इबादुर रहमान शहीद, जमीन पर गिरते ही जहाज को आग लग गई। अंधेर नगरी चौपट राज, PIA और निजी एयरलाइंस ने अंदरूनी मुल्क किरायों में अचानक इजाफा कर दिया। PIA का लाहौर से कराची एग्जीक्यूटिव एक तरफा टिकट 33,000 रुपए का हो गया। अमरीकी हमले में शहीद होने वाले ईरानी जनरल का सफर आखिर, कासिम सुलेमानी की किरमान में तदफीन होगी, भगदड़ मचने से मुतअद्दिद अफराद जां बहर, फिजाएं मर्ग भर अमरीका के नारों से गूंज रही हैं। अमरीकी फौज दहशतगर्द, ईरानी पार्लियामेंट ने अमरीकी फौज को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया।
जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला सरेआम लेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान। ईरान का अमरीका के खिलाफ 13 कार्रवाइयों पर गौर। अमरीका ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। ईरानी वजीर खाजा को वीजा जारी करने से इनकार। जवाद जरीफ ने अक़वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शिरकत करना थी। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम चल बसे। कराची के नूरबाग मेवाशाह कब्रिस्तान में तदफीन। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ का इजहार ताजियत। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के दौरान नैब के हाथों गिरफ्तारियों पर सवाल उठा दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क दिए कि नैब गिरफ्तारी के बाद सबूत ढूंढता रहता है। किसी को फांसी लगाना है लगा दें, सजा देनी है दे दें। नैब तहकीकात मुकम्मल करके क्यों गिरफ्तारियां नहीं करता? इंक्वायरी में जल्दी क्यों नहीं करता? मुल्क में बारिश की झड़ी लग गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश का जबरदस्त पल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारान रहमत। कराची में साइबेरिया की हवाओं का राज, बारिश का इम्कान नहीं। लाहौर में बादल 5 दिन आराम के बाद पीर को बरसेंगे। शहर तारी करती वादियां, बर्फबारी में मजीद दिलकश। मलका कोहसार में सयाहों के पैसे पूरे। कोई सेल्फी बनाता नजर आया तो कोई बर्फ के गोले बरसाने लगा। गाड़ियां खराब होने पर कुछ का मजा किरकिरा हो गया। स्कर्दू में बर्फबारी से हर शय सफेद। बच्चों ने स्केटिंग से तफरीह का सामान पैदा कर दिया। जो फाइन आता है इस पे हमारे कोई बस नहीं है, क्योंकि ये पंजाब से आता है। हमारा अपना आटा है, वो सब्सिडाइज कर रहे हैं। हमने गंदम से सब्सिडाइज किए। तो मैं ये गुजारिश करूंगा अपने जितने भी कि ये जो लोकल आटा है ये सेहत के लिए भी अच्छा है। ये जो सुपर फाइन फाइन आटे जो इस्तेमाल करते हैं इससे तो बीमारियां भी फैल रही हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जनाब स्पीकर कि ये जो अपना लोकल आटा है इसको इस्तेमाल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तला शौकत यूसुफ जई डॉक्टर भी बन गए। आवाम फाइन आटा न खाएं, इससे मैदा खराब होता है। असेंबली में आटे के इकसाम और उनके नुकसान पर लेक्चर दे डाला। बीआईसी हमला केस, वकला और डॉक्टर्स में सुलह हो गई। वाकई में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने पर इत्तफाक। तारीख साज कानून साजी पर हुकूमत खुश, शेख रशीद बोले। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 243 के बरक्स है। फिरदौस आशिक अमान कहती है मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को पार्लियामेंट ने दफन कर दिया। नून लीग के सपोर्टर खुश हैं नून लीग के फैसले से? नहीं, नून लीग के सपोर्टर्स खुश नहीं हैं। सर, फिर आपने अपने सपोर्टर्स और वोटर्स खयानत की अमानत में? नहीं, हमने खयानत तो नहीं की, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमने उनको एतमाद में नहीं लिया और हमें इस सूरत हाल को जो है उनके साथ बैठना होगा, इसकी वजाहत करनी होगी। वोटर्स और सपोर्टर्स आज के फैसले से खुश नहीं, हमने उन्हें एतमाद में नहीं लिया। राणा सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। फैसले से मुत्तफिक नहीं, बड़ों के खिलाफ बगावत का सोच रहा हूँ। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं अपनी पार्टी के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। बड़ों ने फैसला कर दिया है, 50 साल बाद फिर मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने बड़ों से बगावत कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ मेरी जंग खत्म नहीं हुई, मैं ये जंग लड़ सकता हूँ। आखिरी सांस तक मैं ये लड़ता रहूंगा। वोट को इज्जत दो के नारे का अब क्या जवाब दें? एकदम गैर मशरूत हिमायत की वजह क्या है? पार्टी इजलास में लीग रहनुमाओं के ख्वाजा आसिफ से सख्त सवाल। जो किया नवाज शरीफ के कहने पर किया, मौलाना के धरने में भी मियां साहब के अहकाम पर अमल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट की भूल भुलैयों में खो गए। सामने दीवार और दाएं बाएं दरवाजे देखकर रुक गए। मैं कहां हूं, तुम मुझे किधर लेकर जा रहे हो? इमरान खान का सिक्योरिटी अफसर से सवाल। सर, बाएं जानिब चैंबर भी है और असेंबली का दरवाजा भी। सिक्योरिटी स्टाफ का जवाब, साथ ही रास्ता भी मिल गया।
حکومتی پارلیمانی اجلاس میں کھلاڑی پھٹ پڑے، وزیر اعلی عثمان بزدار کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے، فنڈز نہ ملنے کا بھی شکوہ، پرویز الہی کی طرز حکمرانی کی مثالیں دیتے رہے، غیر روایتی طرز سیاست اختیار کریں، وزیر اعظم کا فنڈز مانگنے والوں کو جواب، ایم کے ایم کے بند دفاتر کھلوانے کی یقین دہانی۔ رستی جل گئی بل نہ گئے، کراچی پولیس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی خاتون کی ایک اور ویڈیو، سینا کی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی ویڈیو وائرل۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، سینکڑوں فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف، آسٹریلوی معیشت کو $13 ارب کا نقصان ہو چکا۔ وزیراعظم ہو تو فن لینڈ جیسی، فن لینڈ میں ملازمین اب ہفتے میں 4 دن کام اور 3 دن آرام کریں گے، ملازمین کے اوقات کار بھی 6 گھنٹے کر کے دل جیت لیا۔ سعودی عرب کے صحرا میں ڈیکار کار ریلی کا ایکشن سے بھرپور ایونٹ، ریلی کا دوسرا مرحلہ جنوبی افریقہ کے گینیل ڈیویلیئرز کے نام رہا۔ متحدہ عرب امارات کا بڑا اعلان، سیاحتی ویزا اب 5 سال کے لیے ہوگا، 5 سال کا ویزا تمام غیر ملکیوں کو دیا جائے گا۔